मैंने जो कहा, मैंने नहीं, मैंने जो कहा वो समय कहा, अब कुछ नहीं कहना है, अब कुछ नहीं कहना है। एक बड़ा कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय के कर्म, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है। आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूं कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी, और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं, ये आज भी प्रश्नवाचक है। परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है। विश्वास करने के लिए बातें हो सकती हैं, अविश्वास करने के लिए भी हो सकती हैं, परंतु जो सत्य है वह तो हो रहा है। और सत्य यही है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न जैनम क्लेदयन्ति तापः न शोष्यति मारुतः। हमारे भारतीय संस्कृति जो है वो कहती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, ना उसको कोई काट सकता है, ना छेद कर सकता है, ना भेद कर सकता है, ना उसको जला सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकते हैं। सत्य यही है। परंतु ये जो पंच तत्व का शरीर है, ये पंच तत्व में विलीन होता है। पंच तत्व में विलीन वह साधन जो आत्मा जिसमें रहती है, जब पंच तत्व का शरीर आत्मा को छोड़ देता है तो आत्मा अमर है, वो रहती है, परंतु पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन होता है। परंतु यही शरीर साधन होता है कर्म करने का। तो जब शरीर कर्म करता है वह यश और अपयश को प्राप्त होता है। परंतु आज हम जिनकी श्रद्धांजलि में आए हैं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के बाबूलाल जी को, अरुण जेटली जी, जिन्होंने केंद्रीय सत्ता में अपना वो स्थान बनाया कि पार्टी को कभी भी हानि नहीं होने दी, और जब भी कोई क्लेश आए तो उसका निवारण बनकर के खड़े हो गए। माननीय सुषमा जी वो भी एक आधारशिला थी। आज बाबूलाल जी गौर जो मध्य प्रदेश की सत्ता संभाले थे, मध्य प्रदेश में एक सरल स्वभाव की, सहज उपलब्ध, बड़े ही मृदुल और सहज प्राप्त होने वाले बाबूलाल जी हमारे बीच में नहीं है। हम उनको शत शत नमन करते हैं और हृदय से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे जेटली जी जो हमारे बीच में नहीं है, परंतु हम प्रत्यक्ष उनको महसूस करते हैं, और मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैंने जो कहा, मैंने नहीं, मैंने जो कहा वो समय कहा, अब कुछ नहीं कहना है, अब कुछ नहीं कहना है। अगस्त का महीना भी सही नहीं है, अब कुछ नहीं कहना मुझे। देखो वहाँ जो कहा वो कह दिया, अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलने, अब कुछ नहीं कहना भैया। जो वहाँ देखो